जय हो नीम करोली बाबा। कालीसेना सटल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो हैं लगे हुए हैं। और ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जन सस्ती भी और अच्छी भी सरकारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है यहाँ पे। और आप लोग भी आइए। खाना भी शुरू हो चुका है, ताऊ जी का खत्म भी हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे, सुबह के 9:30 बज गए हैं। फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई है हल्द्वानी से कुंस्यारी तक की। तो आप सभी लोगों को आज हल्द्वानी से कुंस्यारी ले चलते हैं। अभी तो हम सीधे ताऊजी लोगों के वहाँ जाएंगे, जो मेरे जेठ जी हैं छोटे वाले, और उनके वहाँ श्राद्ध का भात खाते हैं। आज हमारी सासू माँ का श्राद्ध है। श्राद्ध का भात खा के सभी लोग चलते हैं, आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं। आज हम तीनों देरानी जिठानियाँ गांव जा रहे हैं। गांव में निरंकार देवता के दर्शन करने उनकी जागरी है, तो आप सभी लोग बने रहना हमारे साथ। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम ताऊजी लोगों के वहाँ। वहाँ श्राद्ध का भात खाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं ताऊजी लोगों के घर पे। गौ माता, यहाँ पे है गौ माता। माता जय हो। गौ माता कैसी देख रही है ना? क्या हुआ क्या हुआ? ये है गौ माता, है ताऊजी लोगों का घर। तो चलते हैं सीधे अंदर। ए हमारा काना, कानू बातें करे तो बोलो। बातें कर। ओ नीचे मुंह बोल। बोलो बोलो बोलो। काना काना चॉकलेट खाऊंगा बोल दो। चॉकलेट चॉकलेट खाएगा? अरे दादी तो चॉकलेट भी नहीं लाई। आ गई काना। ये है हमारा काना। नानी दादी क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे श्राद्ध का खाना भी शुरू हो चुका है, ताऊ जी का खत्म भी हो चुका है। वो हाँ। और दीदी लगा रहे हैं सुबह 4 बजे उठा। मैं 5 बजे 5 बजे में सब बढ़ है यार। रात दाल भात पूरी सब्जी सब सारी चीजें सारे बन गई। श्राद्ध आज श्राद्ध है, खाना भी स्टार्ट हो गया हमारे आने तक। अरे अरे दादी जी बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बाबू मेरा। बोलो बोलो। चलो फिर बाय बाय। दीदी लोग नहीं आ रहे, हम लोग जा रहे हैं। हम नहीं आ रहे। चलो बाय बाय। हमारे घर में पूजा पाठ अच्छे से निपट के आओ। हमारे तरफ से भगवान से इस बार ऐसी हो रहा है, माफ करना। अगले बार जरूर आएंगे। अगले बार जरूर आएंगे। अभी बुलाएंगे तो आएंगे। हाँ जरूर होगा तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। सही बात है, आना पड़ेगा। बुलाएंगे तो उनके पास सब भगवान हमारा देवदों का उत्सव। चलो भाई कहूंगी देवदों को बुलाओ। मैं कहूंगी देवदों को देवता से सबको बुलाओ। सब बुलाओ जो हटके हैं उनको बुलाओ। चलो बाय बाय। थैंक यू दी बाय। तो दोस्तों निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। अब हम जाने लगे हैं देरानी जिठानी गांव को पूजा में। आज हमारे गांव में पूजा है और जन औषधि से लिया दवाई। ठीक है जा रही है, यहाँ पे है ना जन औषधि। तो दोस्तों हम हल्द्वानी की मार्केट से निकल रहे हैं गांव को, और यहाँ पे ना जन औषधि केंद्र है। तो ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। जन औषधि जो है ना सस्ती भी और अच्छी भी सरकारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है यहाँ पे। और आप लोग भी आइए, कहीं भी हो सभी जगह जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, इसी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। आपका नाम? गीता बिष्ट है, और ये इनका है जन औषधि केंद्र। आपके कौन सी जगह पे हुई है ये? लांडा चौराहे। लांडा स्टोर में तो कितनी महंगी महंगी मिलती है ना? यहाँ बहुत सस्ता मिलता है और अच्छी भी है दवाइयाँ। हाँ अच्छी भी है। सभी लोग जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ परचेज कीजिए। बाय। फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। अच्छी मेक नाइस ब्लॉग।
अब बहुत मेहनत सपोर्ट है। बाय बाय। तो हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पे और यहाँ पे ना भारत पेट्रोलियम है, तो यहाँ से गाड़ी फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी में, और हमेशा ही हम भारत पेट्रोलियम से डलवाते हैं। और ये है भारत पेट्रोलियम और ये है नेशनल हाईवे, ये है बद्रीनाथ केदारनाथ, और ये है सात ताल भवाली भीमताल काठगोदाम, नेशनल हाईवे है ये। तो आप लोग उसे ले चलते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहना। हाई स्पीड बन गया अब। हाँ, अब यहाँ से टेम्पो ऑटो से जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं भीमताल। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बोटिंग हो रही है। बोटिंग देखो, सब लोग बोटिंग करने आए। हाँ बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, आज संडे है ना, बहुत ज्यादा वही तो सारे बोट भरे हुए हैं। और ये है भीमताल का ताल। भीम सरोवर बोट स्टैंड है ये, पैडल बोट, रोइंग बोर्ड, कैकिंग, जबिंग, पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे रोक दी है गाड़ी और यहाँ पे थोड़ा सा भीमताल की हवा खाते हैं, ठंडी ठंडी। हाँ यार, जो भी यात्री आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, सभी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद और एक एक अमरूद खाया हमने यहाँ पे, और अब चलते हैं आगे। आगे का सफ़र यहाँ से जारी रहेगा। तो दोस्तों, भवाली क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं कैची धाम, और कैची धाम में ना इधर आधे रास्ते ही से ही जाम लगना शुरू हो चुका है, गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, तो मैं यहां से पैदल उतर जाती हूं। कैची धाम में ना खूब भीड़ हो रखी है और जाम लगा है, यहां गाड़ियां ऐसी जा रही हैं बिल्कुल घिस घिस के। और ये है यहाँ का पार्किंग, ये जा रही है ऊपर से गाड़ियाँ बिल्कुल घिसते हुए। जय हो नीम करौली बाबा, ये है नीम करौली बाबा जी का दरबार। तो यहाँ से चलते हैं पैदल। तो दोस्तों, यहाँ ना मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी ऊपर से घूम के आ रही है, तब तक मैं यहाँ से शॉर्ट जाती हूँ। और ये लगा है यहाँ पे जाम। और यहाँ से ना पैदल यात्री, यह सटल सेवा की गाड़ियां जो जाती हैं सीधे भवाली। और इतनी ज्यादा भीड़ है कैची धाम में ना, सटल सेवा लगी है उसके बाद भी यहाँ पे काफी जाम का सामना करते हुए। जय हो नीम करौली बाबा। और ये खिले हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर से फूल, पदम के पेड़ हैं। जय हो नीम करौली बाबा। तो भवाली से ना सटल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत है। यहाँ पे सारी यात्रियों की भीड़ लगी हुई है, जितने भी श्रद्धालु हैं सारे लाइन में लगे हुए हैं। सारे श्रद्धालु जो लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और जो भी आने जाने वाले यात्री हैं ना हमारे साइड के, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो लोग सुबह जल्दी आए या शाम के टाइम में निकलें, क्योंकि यहाँ पे ना इतवार और शनिवार मंगलवार तो सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है। इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ है, सभी लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप लोग ना अपने समय का ध्यान दें, उसी हिसाब से निकलें। आप देख सकते हैं वहाँ पूरे श्रद्धालु लाइन पर लगे हुए हैं। तो आप लोगों को ना मैं यहाँ से आंखों देखा हाल दिखा रही हूँ, तो हम यहीं से निकलते हैं आगे को। पूरी मार्केट में भीड़ है बिल्कुल खचा खच। तो
ये है पातली, यहाँ पे करते हैं टी ब्रेक, चाय पकौड़ी का आनंद लेते हैं। और ये है यहाँ पर स्रोत का पानी, पहाड़ों का बिल्कुल नेचुरल वाटर। तो इसको हमने घर के लिए भर भी दिया और पी भी लिया है यहाँ से, चाय पकौड़ी का आनंद लेते हुए। रायता अच्छा हो रहा, रायता और पकौड़ी का आनंद। पकौड़ी खाओगे यार? चाय पकौड़ी का आनंद लेते हुए काफी लेट हो गए हैं, भूख भी लगी गई है। यहाँ पे बनी है चॉकलेट बाल मिठाई, पातली की स्पेशल लड्डू, हमारे उत्तराखंड की फेमस सिंगोड़ी। पातली में आप भी आइए और पहाड़ी मिठाई का आनंद लीजिए, सिंगोड़ी खाइए। पातली में चाय पीने के बाद अब चलते हैं घर को, एक घंटा हो गया हमें आने में। तो हम पहुंच गए हैं रानीखेत और ये है गांधी चौक, गांधी चौक रानीखेत की मार्केट में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से ना सब्जी वगैरह लेते हैं और यहाँ पे ना बंदर बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं। और सब्जी भी ले ली यहाँ से, रानीखेत से सब्जी वगैरह ले ली हमने, अब चलते हैं घर को। और रानीखेत में ना ठंडा हो रहा है, गाड़ी लगा दी है मजार से नीचे। शाम के ना 7 बज चुके हैं और हम पहुंच गए थे 6:45 बजे करीबन, क्योंकि आज हम काफ़ी लेट हो गए थे, कैची धाम में जाम भी लगा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर में। घर आने के बाद ना चाय पीने के बाद मेरी सब्जी भी बन गई है और अब रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। बैठे हैं यहाँ पर भरार सारे, सब कर दो जरा बाय बाय। वो अच्छा, 7:30 बज चुके हैं और अब ना रोटी बनाने की तैयारी हो गई है मेरी। मैं आ गई हूँ अपने पहाड़ी रसोड़े में, ये है हमारा पहाड़ी रसोड़ा, ये गैस वाला रसोड़ा है और ये चूल्हे वाला है। चूल्हा वाला आजकल यूज नहीं करते हैं, तो मेरी रोटियाँ गैस में ही बनेंगी। तो मैं बनाती हूँ रोटी और आज का जो ब्लॉग है ना उसको भी यहीं पर रखते हैं, और काफ़ी लंबा हो चुका है, हल्द्वानी से शुरू किया था तो हम पहुँच चुके हैं गांव में। तो आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड।